नमस्कार दोस्तों, राज्यस्तरीय योजना को विद्यालय से जोड़ा गया है। राजस्थान सरकार तीसरी किस्त जो बालिका विद्यालय में पढ़ती है, राजकीय विद्यालय में, उनको देगी। इससे संबंधित विद्यालय लॉगिन पर इसका इंचार्ज बनाना है, वो जिस भी अध्यापक को बनाना है उससे संबंधित ये ट्यूटोरियल है। आप देख सकते हैं कैसे इंचार्ज बनाएं, क्या है प्रोसेस, पूरा प्रोसेस अपन देखेंगे अभी। राज्यस्तरीय योजना को जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, योजना से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। आज अपन इंचार्ज मैपिंग करेंगे, जो कि PS UPS सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टार्ट हो चुका है। RSS का आवेदन है जो 14 फरवरी से करना है। यहाँ चुका हूँ शारदापन की साइट पर, यहाँ से करते हैं लॉग इन। दोस्तों आपको ID पासवर्ड डाल के लॉगिन, जैसे मैं भी लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ से दोस्तों अपने को जाना है कार्मिक टैब में। कार्मिक टैब में जाने के बाद में अपने को जाना है वर्क इंचार्ज मैपिंग में। यहाँ पर दोस्तों नोट दिया गया है, एक रोल में एक ही इंचार्ज को नियुक्त किया जा सकता है। सेलेक्ट रोल, आपको यहाँ से रोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से इंचार्ज सेलेक्ट करना है, जैसे भी अध्यापक को बनाना चाह रहे हो। फिर यहाँ से ऐड करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पॉपअप आएगा, उसको आपको येस करना है। जैसे येस करोगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय और करंट इंचार्ज रोल आ जाएगा। यहाँ पर इंचार्ज का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों मैपिंग का काम हो गया पूरा, स्कूल साइड का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब अपन चलते हैं RGSS का आवेदन कैसे करें। यहाँ से स्कूल लॉगिन को लॉग आउट करना है। वापस मैं आ चुका हूँ शारदा दर्पण की साइट पर। यहाँ से इसको के अपने को जाना है राज्यस्तरीय योजना। यहाँ पर दोस्तों राज्यस्तरीय योजना का टैब आ चुका है, इस पर क्लिक करना है। अपन दोस्तों पहुँच चुके हैं राज्यस्तरीय योजना के टैब पर, और यहाँ से अपने को लॉगिन होना है। स्कूल आईडी डालना है, नंबर, स्टाफ आईडी डालना है, जिसको इंचार्ज बनाया गया है उसका स्टाफ विंडो का पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। फिर यहाँ से लॉगिन होना है। राज्यस्तरीय क्या योजना है इसको जानने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई प्रोसेस क्या है, मैनुअल क्या है और फैक्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके हेल्प के लिए बनाए हुए टैब है, जिससे आप जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ से अपन लॉगिन होते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है। दोस्तों ऐसे आईडी पासवर्ड डाल दिया और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। दोस्तों लॉगिन होके देखो, स्कूल का नाम आ गया है, NIC कोड आ गए हैं और सेशन आ गया है राज्यस्तरीय योजना का। और यहाँ से आप विज्ञप्ति देख सकते हैं राज्यस्तरीय योजना का PDF डाउनलोड करके, पूरा विवरण आ चुका है। अभी 00 बता रहा, अभी मैंने गर्ल्स को एलिजिबल नहीं किया है। उसके बाद में दोस्तों आपको स्टूडेंट फॉर्मेट टैब में जाना है और फॉर्म को यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉर्म डाउनलोड मैंने कर दिया है, इसमें पूरा विवरण फिलअप करना है, सिग्नेचर कंप्लीट करवाने हैं, माता पिता से घोषणा पत्र लेना है और संस्था प्रधान से प्रमाणीकरण लेना है। उसके बाद में दोस्तों फाइंड PCTS डिटेल से इसमें जाके आप PCTS डिटेल ID नंबर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर किसी अभिभावक के पास में है तो यहाँ एंटर कर दो और उसका डाटा फिलअप कर दो। अगर नहीं है तो यहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस है। देख सकते हैं दोस्तों मदर का जन्मदाता डाल सकते हो, मदर का आधार नंबर या मदर का मोबाइल नंबर डाल के भी आप PCTS की डिटेल ले सकते हो, यहाँ से ID आप ले सकते हो। ये पूरा विवरण डॉक्यूमेंट अच्छे करके पूरा भर के फॉर्म फिर फिलअप करना है ऑनलाइन। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आ चुका है। उसके बाद में ऑनलाइन का भी प्रोसेस यहाँ दिख नहीं रहा है, जैसे ही प्रोसेस आता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।